भी एमएलए साहब हैं और हमारे पवन दलाल जी, सुखबीर दलाल जी, थोड़ा आप उठ के एक बार तालियों के साथ स्वागत करें इनका भी। हमारे आदरणीय पवन शर्मा जी, बोले शंकर भगवान की। आज की जो ये मीटिंग रखी गई है, ये जो खाना रखा गया है, हमारे आदरणीय महेंद्र गोयल जी जो सैबलो को गठित करने वाले, जिस दिन सैबलो में सिर्फ 5-7 भंडारे थे और सिर्फ 5-7 भंडारों का एक छोटा सा समूह उस समय बालताल में बनाया गया था, तो उसमें अगर सबसे आगे और सबसे आगे होकर के अगर सेवा करने वाले कोई व्यक्ति था तो वो हमारे महेंद्र गोयल जी थे, और जिन्होंने आज हम सबको संगठित किया हुआ है। और भोलेनाथ की इनके ऊपर अपार कृपा है, जिन्होंने अकेला बालताल नहीं, पहलगाम नहीं, इन हमें तो संगठित किया ही किया, और अपना संगठन का जो मजबूती है वो दिल्ली में भी जाकर के दिखाई, और आज वहां पे दिल्ली में एमएलए के तौर पे सेवा कर रही है। तो मैं अपनी तरफ से भी और सैबलो की तरफ से और सभी प्रशासन की तरफ से मैं आदरणीय महेंद्र गोयल जी का, पवन जी का और सुबीर जी का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे जितने भी प्रशासन के ऑफिसर्स आए हैं, हमारे आदरणीय कैंप डायरेक्टर साहब आए हैं, सीओ साहब, एसपी साहब, जितने भी यहाँ पे सभी ऑफिसर्स आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आई अगली बात। आज प्रशासन के साथ हमारी दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग थोड़ी नरमी, थोड़ी गर्मी के साथ हुई थी, मगर वो पिछले 2-3 साल का जो उबाल भंडारे वालों में था वो निकला, मगर उस मीटिंग का भंडारे वालों को, यात्रियों को बहुत फायदा हुआ। हर जगह पे, हर मोड़ पे, जहां भी भंडारे वालों को कोई समस्या थी, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं प्रशासन का कि इन्होंने हमें हर जगह पे, हर मोड़ पे सहयोग देने का जो वादा किया था, उस वादे के ऊपर पूरा उतरे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। हर जगह पे मुझे आज ठाकुर जी के साथ मेरी बातचीत हुई, डीसी साहब का हुक्म हुआ कि आप मनी गांव में जो आपने शिकायत की है वहां पे भी एक दो लंगर वालों की ड्यूटी लगाई जाए कि वहां पे कोई ऐसा शरारती अंशर तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि बालताल में भी, होली के पे, हर जगह पे प्रशासन का पूरा सहयोग जो है वो लंगर वाले भाइयों को मिल रहा है। मैं इस बात का धन्यवाद हमारे आदरणीय कैंप डायरेक्टर साहब और हमारे सभी फोर्सेस के सीओ साहब और जेकेपी के जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, मैं उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महेंद्र गोयल जी, जो सैबलो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, 2 शब्द जो है वो सभी लंगर वालों के साथ साझे करेंगे। हमारे आदरणीय महेंद्र गोयल जी, एमएलए साहब दिल्ली। जय भोलेनाथ। मैं जोर के एक बार, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यहाँ पर उपस्थित कैंप डायरेक्टर साहब, एसपी साहब, बीएसएफ के भी हमारे शायद आ जाए, वो भी आए हैं, जितने भी फोर्सेज हैं हमारी, चाहे वो सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, सभी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, जय भोलेनाथ है। और यहाँ पर मेरे साथ में दिल्ली से सुखबीर दलाल जी, जो मुंडका से विधायक है और पार्लियामेंट सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार में, और पवन शर्मा जी हमारे आदर्शनगर से एमएलए हैं और चेयरमैन हैं जी दिल्ली सरकार में।
मैं इनकी तरफ से भी सैकड़ों के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना प्यार दिखाया। मेरे साथ तो रहते ही था, लेकिन आज मेरे जो साथी आए हुए हैं इनको भी जो प्यार आप लोगों का मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सैकड़ों के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस भी साथी को पता लगा कि दिल्ली से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर ही आके डेरा जमा लिया। मेरे से सिर्फ एक बार मिले, उसके बाद अपने अपने काम पे सब लग गए हैं। कहाँ पे कमरा लिया है, कहाँ पे रहे हैं, कहाँ पे क्या खाया पिया, मुझे कुछ नहीं पता, सब इंतजामों खुद ही किया। जैसे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं यात्रियों की, इसी हिसाब से जाके मेरी सेवा की, वोट के प्रति भी, नोट के प्रति भी, और क्या क्या चीजें बताऊंगा मैं, शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए। और भोलेनाथ की बड़ी अपार कृपा है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप जैसे सफाई मिले, साथी मिले, ये उसी की कृपा है। यहाँ पे मैंने जो भी सेवा किया मस्ती मस्ती में की, साथियों के साथ बैठ गए, भाई साहब के साथ बैठते थे कभी, हम जहाँ पे आजकल पार्किंग होती है वहां पे दूध की कढ़ाई पे ये बैठते थे साथ में, सभी चेहरे जाने पहचाने हैं, बहुत सी खट्टी मिट्टी यादें हैं। यहीं पे बैठ के ही हमें लोगों ने श्राइन बोर्ड का गठन करवाने के लिए प्रयास किया। जो समस्याएं होती थी बहुत, कहीं पे किसी प्रकार की समस्या चल रही है, कहीं पे किसी प्रकार की, तो यहीं पे सभी साथी लोग बैठे थे जो साथ में एक सड़क के लिए श्राइन बोर्ड यहाँ पे हो गए, तो ये भी सैकड़ों की ही देन थी श्राइन बोर्ड। उस समय यात्रा तो बहुत पहले से चलती आ रही थी। मैं श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि आपसे तालमेल जरूर बना के, क्योंकि आपके साथ यदि हमारा तालमेल नहीं होगा तो यात्रा के अंदर बहुत सी खामियां होंगी। और इस साल एक स्टार्टिंग में जरूर आपके साथ थोड़ी सी हो रही है, लेकिन उसके बाद आपका बहुत प्यार रहा, यात्रा को आप लोगों ने बड़े सुचारू ढंग से चलाने की वो करी। लेकिन ठीक है, कुदरत वाले की कई बार मार पड़ जाती है, लेकिन संभाला आप लोगों ने बहुत, उसके लिए आप लोगों का एक बार फिर बहुत धन्यवाद। कहने को तो बहुत कुछ होता है, बहुत सी खट्टी मिट्टी आ गई। लास्ट ईयर क्या घटित हुआ था, हम सब हुआ गए, अब की बार भी जो हुआ, लेकिन उसके बाद से जैसे संभाला है आप लोगों ने, एक बार फिर पुनः इस मंच के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही यात्रा के टच में रहा हूं। ठीक है, मैं दिल्ली में बैठा था, क्योंकि हमारे जितने भी सैकड़ों के पदाधिकारी हैं या मेंबर हैं वो बैठे कहीं पे भी हैं, लेकिन इस यात्रा के पूरे के पूरा टच के अंदर रहते हैं। और मैं पहले दिन से ही ठाकुर साहब के साथ, राजन जी के साथ, चाहे वो कपिल जी हैं, हर्ष जी, सभी के साथ बराबर में टच में रहते थे। यहाँ पे जो भी दुख तकलीफ या और ये नहीं है कि जो व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के साथ है, वो चाहे अपने घर पे भी बैठा तो उसके साथ मिल बैठ के फिर यात्रा का थोड़ा मजा जरूर आपके बार खराब हुआ है, लेकिन फिर भोलेनाथ से ये कृपा करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे कि वो सभी पे कृपा करें, इस यात्रा के अंदर विघ्न ना आए। और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि गवर्नर साहब से आप लोग अपनी बातें ऐसे शेयर करें कि यात्रा की ये अवधि घटा दी जाए, ये यात्रा की अवधि घटेगी तो इस यात्रा का महत्व रहेगा। श्रावण का महीना अब चालू होना और यात्रा समाप्त हो चुकी, ये चीज देखने वाली। आपसे एक अनुरोध है कि गवर्नर साहब से भी एक रिक्वेस्ट करो,
कि इस यात्रा की अवधि श्रावण के महीने के अंदर ही रखो तो वो ज्यादा बढ़िया, या ज्यादा ज्यादा 35 दिन की तो 40 दिन। इतनी लंबी यात्रा होने के बाद ये सेवा तो कर लेंगे लेकिन यात्री तो हो, यात्री होना जरूरी है। चाहे सेवा इन सेवादारों से कितनी करवा लेंगे तो हर जगह हर समय सेवा करने के लिए तैयार। यही मेरी प्रार्थना है और यही आपसे रिक्वेस्ट है। जय भोलेनाथ, जय भोले। बहुत ही अच्छे विचार हमारे आदरणीय महेंद्र गोयल जी ने दिए, तो मैं दो शब्द के लिए हमारे आदरणीय संजय अरोड़ा जी, ओम शिव शक्ति सेवा सदन दिल्ली के पदाधिकारी हैं, दो शब्द कहेंगे हमारे आदरणीय संजय अरोड़ा जी, ओम शिव शक्ति सेवा सदन दिल्ली। भगवान बोले। मैं सभी आप भाइयों का और हमारे जो दिल्ली से एमएलए साहब तो नहीं कहेंगे, भाई कहेंगे, हमारे सब लोग भाई हैं ये, इनका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा दो शब्द हम हमारी सीओ साहब बीएसएफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तालियों के साथ स्वागत करें, थोड़ा लेट आए हैं और सबसे ज्यादा सेवा करते हैं सबसे। हाँ जय बोले। हाँ जी, और मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे ओम शिव शक्ति सेवा मंडल दिल्ली चीका से हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी दो शब्द जो है वो आशीर्वाद के रूप में कहेंगे। हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी तालियों के साथ स्वागत करें। सहरलों के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं और हर जगह पे हर मोड़ पे सेवा करते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, जोश दिखाइए, यात्रा भी और आगे बढ़ानी है। सुभाष ने भी बोला तो इनकम टैक्स सबसे कहते आप इतना जोश दर्दों की यात्रा और बढ़े। बोली शंकर भगवान की। मैं तो आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे भी सेवा हमसे हो, मन से तन से धन से तो हम करते करते हैं, एक विचार और तालमेल के साथ भी करें, क्योंकि आप और हम एक दूसरे के पूरक हैं। स्लाइपर हो चाहे पूरा सिस्टम हो, आप हमें को प्रेरित करें, हम आपको को प्रेरित करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही अभी महेंद्र साहब ने कि यात्रा में यात्री तो हो कम से कम, सेवा के लिए हम तैयार बैठे, पूरे पूरे तैयार बैठे। बोली शंकर भगवान की। मैं कुछ मेरे भाइयों से माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। हमारे शिव सेवा संघ बरनाला से हमारे शर्मा जी आए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा और क्षमा चाहूंगा। और हमारे श्री शिव शक्ति सेवा मंडल से हमारे मागी जी आए हैं और शिव शक्ति सेवा मंडल बुढ़लाडा से हमारे परविंदर हैप्पी जी आए हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे परमादरणीय सैबलो के जनरल सेक्रेटरी हमारे आदरणीय विजय मेहरा जी दो शब्द जो है आकर के कहेंगे, तालियों के साथ स्वागत करें। सैबलो के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं और जितनी भी हमारी ड्राफ्टिंग है, जो भी हमारा कागजी कार्रवाई है, वो हमारे सारा साल जो है वो हमारे श्री विजय मेहरा जी करते हैं। जय बोले। जय करा है वीर बजरंगी। जय करा है वीर बजरंगी। जय करा है वीर बजरंगी। सब लोग की मीटिंग में सभा में आए हुए सब लोग के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही श्राइन बोर्ड के कैंप डायरेक्टर, फोर्सेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्षों की भांति थोड़ा इस बार दिक्कत परेशानियां जरूर रही, लेकिन फिर भी हमने सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक कामयाब भी हुई। शहर में बैठ के अपने अपने घर में बैठकर सिर्फ यहाँ की खबरें पहुंचती थी, संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ही मैं वापस आया हूँ 20 दिन के बाद। पहले 15 दिन यही था यात्रा के शुरू होने से, और वास्तव में जो काम स्टेट पुलिस ने, श्राइन बोर्ड ने और जितनी मशीनरी यहाँ पर भंडारे वाले जो उन्होंने काम किया वो देख के पता लगता है। अभी भी कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हैं जो भंडारे वालों की चलती रहेंगी, चल रही हैं पिछले वर्ष की भी। हम हर साल
रिक्वेस्ट करते हैं श्राइन बोर्ड को उनको दूर करने के लिए, वो चलती रहेगी। अपने शब्दों पर विराम लगाते हुए मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं लखनऊ भंडारा से सेवादार आए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, और हमारे और भी जो भी सेवादार में यहाँ पहुँचे हैं मैं उनसे क्षमा, हमारे सुनाम भंडारा से सेवादार आए हैं मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ से हमारे राजेंद्र सिंह जी तालियों के साथ स्वागत करें, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और दो शब्द जो है सैबडो के बहुत ही अच्छे सेवादार हैं हमारे राजेंद्र सिंह जी, कृपया आए। और हमारे मिलिट्री के शिव साहब मैं हार्दिक अभिनंदन, तालियों के साथ स्वागत करें।